स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं, संत हरिभक्ति मोटे जे समझे छे अने तेमना दर्शन थी जेनु अंतर ठरे छे ते विघ्न नड़ता नथी। जीवन में तो विघ्न 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 ही है, उससे पार निकलना वो सुरवीर का काम है। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा, जो संत हरिभक्त की बड़ाई समझते हैं और उनके दर्शन से जिसका अंतर शांत होता है, उसको विघ्न, कोई भी विघ्न, क्योंकि शुरुआत में हमने कहा कि ये जीवन में विघ्न 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 ही है, उसे पार होना वो सुरवीर का काम है, ज्ञानवान का काम है, समझन वाले का काम है। तो वो और ये उसको विघ्न, कभी भी कोई विघ्न आता ही नहीं है। इतनी कितनी बड़ी बात हो गई। आनंद ध्यान धारणा करतो होय, अनंत एक दो हजार नहीं, अनंत अनंत ध्यान धारणा करतो होय, भूत भविष्य कहतो होय और सबका भूत भविष्य की बात करता हो, अंतनु जानतो होय। और ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें कोई ने भी अंतर की बात जानी है तो वो अंतर की बात जानते हैं। आनंद जीवनी नाड़ी जानतो है, कितनी बड़ी बात है, आनंद जीवों की नाड़ी जानते हैं। आनंद पराक्रम करतो है, एक बे एक दो पाँच दस सौ हजार नहीं, अनंत पराक्रम करते हुए। तो पन जो दासपणु ना होए, परंतु जो उसमें दास का गुण ना होए, तो अंक विनाना शून्य जीव छे। सब दासपना का गुण ना है तो सब मिट्टी में मिल गए, सब कुछ पाया ही नहीं। दास न और मसीहरी निवास कहीं रचे। और सबसे भारी बात तो ये है, जो जोगी लोग अनंत वर्षों से तप कर रहे हैं भगवान के ढूंढने के लिए, फिर भी भगवान पाए नहीं, तो ये दास हो, दास ये अक्षय निष्ठे वाले की बात है, दूसरे की तो बात नहीं। अक्षर पुरुषों की निष्ठा वाले हो और दास उर्मा दास ना सीधे निवास कहीं लगे, उसके हृदय में श्री हरि श्री जी महाराज स्वयं विराजमान रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा है, निष्काम धर्म राखे ते अमारो छे, यानी ब्रह्मचर्य व्रत राखे ते अमारो छे, बीजा कोई ने नहीं, अमारो छे। तेमा जे फेर पाड़शे तेने सत्संग बाहर करीशु, और उसमें कोई फर्क करेगा तो उसको सत्संग के बाहर हम करेंगे। ये हमारे शरणे रहतो हशे तो अपन तेनी सहाय में नहीं करिए, जो निष्काम धर्म की बात कितनी महत्व की है।
जो हमारे शरण मेरे शरण में रहते हो, फिर भी हम उसकी सहाय नहीं करेंगे। निष्काम धर्म में फिर फर्क होगा तो वचन में वर्षे तेज अमारो छे, हमारे वचन में जो रहेगा वही हमारा है। निष्काम धर्म धड़ पारो, निष्काम धर्म अच्छी तरह से पालना और उससे उसमें अधिक से अधिक पालन करने की वृत्ति रखनी। निष्काम धर्म धर्म पारो या जप तप वगैरह अनेक करे, और दूसरी बात तप जप तप वगैरह कितना भी करे पर निष्कामपणा समान कोई तप नहीं। पर निष्काम वो निष्काम धर्म दृढ़ पालन करना वही महाराज की इच्छा है। माटे त्यां गाफल न रहो, उसमें गफलत नहीं रहना, उसमें गफलत रहेंगे तो भगवान के पास पहुँचेंगे नहीं। निष्काम पर ना हो त्यादी आपने भेगा थे तेनू तथा भक्ति के कई फल नहीं। भगवान ने कहा कि हम साथ में रहे और कितना भी साधन करे भक्ति करे पर उसका फल कोई नहीं मिलेगा।